देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में महाराष्ट्र दिल्ली ही थे। हालांकि महाराष्ट्र ने तेजी से स्थिति भी संभाली थी। इस कड़ी में राजधानी मुंबई में क्रिसमस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन धूम को लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। मुंबई में फिर से कोरोना वायरस कहर ना बर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी गणेशोत्सव व दीपावली की तरह क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी। बीएमसी आयुक्त चहल ने कहा कि क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए बीएमसी आयुक्त चहल ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए राज्य सरकार के पास पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर के बाद राज्य सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। मुंबई में क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं और देर रात तक पार्टी करते हैं। कई स्थानों पर नहीं मनेगा जश्न। कोरोना काल में इस बार प्रशासन के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण सप्ताह होगा। ऐसे में गेट ऑफ इंडिया चौपाटी मरीन ड्राइव पर न्यू ईयर का जश्न मनाने पर रोक लग सकती है। बीएमसी सूत्रों ने बताया कि इस साल लोग यहां न्यू ईयर का जश्न नहीं मना पाएंगे। मुंबई में कुछ गिने चुने यही वह स्थान है जहां न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, रात भर जागते हैं, नए साल की अगवानी का जश्न मनाते हैं। लेकिन कोरोना काल में इस साल जश्न फीका पड़ सकता है। आप बने रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।